क्लास टेन के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में मैं आपसे बात करूं तो रियल नंबर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स मार्क्स के लिए आता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है सिक्स मार्क्स के लिए, और इसमें सिक्स मार्क्स में जो पूछा जाता है, अब तक दो ही बोर्ड हुए, वैसे बहुत सारे बोर्ड हो चुके हैं, पर यदि बोर्ड के लेवल पर बात करें दो बोर्ड में जो नया पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग, इससे पहले होम बोर्ड होता था, बोर्ड होता था, अब सबके लिए बोर्ड है। तो ये तीसरा बोर्ड तो पैंडेमिक में कैंसिल आउट हो गया। इसमें हम बात करें सिक्स मार्क्स का इसका वेटेज है, और वेटेज में आता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आता है ईएलटी यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थर्ड नंबर पे जो ये है अंडर रूट थ्री या रेशियो प्रूव करना। ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, इसको हर बच्चे को लर्न करना है, क्योंकि हमारा मानना है ये बोर्ड में अब से पहले भी आया अपने साथ। इसमें आपको दो नंबर में यदि अंडर रूट थ्री आता है तो ये आपका वेटेज बनता है थ्री मार्क्स के लिए, और यदि अंडर रूट थ्री प्लस टू हो जाए, मैं इसको बोल दूँ ये अंडर रूट थ्री प्लस टू रिलेशन, तो इसका वेटेज होता है टू मार्क्स का। फिर कंपोजिट नंबर में क्वेश्चन बनता है वो वन मार्क्स में होता है, प्राइम नंबर में क्वेश्चन बनता है वो भी वन मार्क्स में जाता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों एक ही है, इसमें वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और फोर टू दी पावर एन सिक्स टू दी पावर एन विल एंड विद द डिजिट जीरो एंड डिजिट जीरो, ये बनता है आपका वन मार्क्स। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए वन बाय वन चीज देखते हैं। यूक्लिड डिविजन लीमा, यूक्लिड डिविजन लीमा, और दूसरी तरफ है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उनमें डिफरेंस क्या है, यदि बात करूं तो आपको पता चलेगा कि यूक्लिड डिविजन लीमा ऑलरेडी आपको आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ाना चाहिए, सिर्फ आपका नाम बदला है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, आप ऑलरेडी करते आए हैं, तो इसलिए मैं आपको जो इसको समझाऊंगा थियोरेटिकल कोर्स यदि मैं कहूँगा तो आपको बड़ा टफ लगेगा, लेकिन यदि मैं जब आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम को न्यूक्लियर डिवीजन लीमा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप 20 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो आपने कहा बहुत सिंपल 6×18 2, ये क्या है मेरा डिविडेंड, इसको हम क्या करते हैं डिविडेंड, यहाँ मैंने इसको ए मान लिया, ये क्या है मेरा डिवाइजर, इसको मैंने डी कॉल कर दिया, ये है मेरा क्वेश्चन क्यू एंड ये है मेरा रिमाइंडर आर। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा ये हमें बहुत बढ़िया किया, और आप जानते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 20 × 3 × 6 + 2। यस, अब बच्चा बोलेगा सर हाँ ये तो हमें ऑलरेडी आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा इसको लिखने का वे है, वो क्या है देखिए, a = bq + r। यहां पर a मेरा 20 है, b मेरा 3 है, 6 मेरा q है, और रिमाइंडर r मेरा 2 है। तो आप मुझे बताइए b इज ऑलवेज इंटीजर, अब यदि कुछ इंटीजर्स क्या होते हैं तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है ना, आपको जिनको नहीं पता है बहुत बेकार बात है, सिक्स क्लास आप पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नाइन्थ क्लास में पूरा इंटीजर पढ़ाया गया, फिर भी मैं रिमाइंड करा देता हूँ, इंटीजर को हम जेड से शो करते हैं या आई से शो करते हैं, मैं जेड से भी लेके चलूंगा थोड़ा हूँ। इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट, -1, -2 अप टू इनफाइनाइट, वी कॉल इट इंटीजर। यहां से यहां तक वी कॉल इट पॉजिटिव इंटीजर, यहां से यहां तक इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर, एंड दिस इज न्यूट्रल इंटीजर। तो ये क्या है मेरा यूक्लिड डिवीजन लीमा की बात करूं तो हम कहते हैं a = bq + r, और r मेरा रिमाइंडर। तो आप एक चीज बताइए, यदि मैं r के बारे में यहां पे एक चीज लिख देता हूं, क्या r > 0 < b थोड़ा पढ़ने और सुनने में डिफिकल्ट लगता है, परंतु अभी मैं एक्सप्लेन करूं तो आप बोलेंगे सर हमें ऑलरेडी आता है, कुछ भी नहीं। वो क्या है आपका r मेरा रिमाइंडर, यदि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो r मेरा क्या हो सकता है 0 क्यों हो सकता है, ये पूरा डिवाइडेड है तो 0 हो गया पूरा डिवाइडेड है, मींस यदि मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूं 20 21 को 3 से 7 जा 21 0 रिमाइंडर क्या आएगा
जीरो, बट रिमाइंडर क्या थ्री भी हो सकता है नवर, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू बट लेस देन बी। अब आर को लिखने का तरीका यहां पर ये समझिएगा, आर में बोला आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन बी सॉरी इक्वल टू जीरो वन टू, आपको जीरो नंबर मिलने वाला है, ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स में है, आपने क्या लिखा जीरो वन टू। कोई बच्चा मुझे कह सकता है कि सर यही तो है रिमाइंडर, या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, बिल्कुल सही तो लिखा है, फिर जीरो मार्क्स क्यों, जीरो मार्क्स इसलिए हैं जीरो वन और टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और, इसके साथ ही बोर्ड मार्क्स। इसके पीछे पर्पज है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो तीन, यदि मैं नहीं लिखता हूं और गलती से कुछ बच्चे यहां एंड भी लिख देते हैं, खतरनाक, कि जो मेरा रिमाइंडर है वो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, जबकि मैंने क्या बोला रिमाइंडर मेरा क्या हो सकता है आइदर वन और आइदर जीरो और वन और टू, रिमाइंडर मेरा इनमें से कोई एक ही होगा। और जब यहां पर हम एंड लगाते हैं तो एंड का मतलब होता है तीनों होंगे, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है एंड और इंग्लिश वाले और का, हिंदी बात करें हम बात करें हिंदी में तो हम लिखेंगे या और, दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश में बात कर लेते हैं एंड दूसरा वर्ड है और, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है एंड और दूसरा वर्ड है और, इसके ऊपर पूरी पूरी सेट्स में यही सारा चलता है, तो इसलिए एंड और ओवर पे नंबर कटते हैं बोर्ड में। बच्चा बोलेगा सर मैं सब कुछ सही कर गया फिर मेरे नंबर कट गए, तो ये बात ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कैसे है। चलिए ये तो हो गया आपका यूक्लिड डिविजन लीमा, फिर एल्गोरिथम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है जी, या फिर हम इसको कह दें इसके साथ में ये नहीं रहा फंडामेंटल थ्योरम भी हो जाए यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EDA। ये मेरा यूक्लिड डिविजन लीमा था, ये मेरा यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम और लीमा में क्या डिफरेंस है, ये डिविजन है तो डिविजन में मैंने खाली एक फॉर्मूला लिखा, एक सिस्टम लिखा, और यदि मैं एल्गोरिथम की बात करूं तो एल्गोरिथम क्या है, ये मेरा किसी चीज को सॉल्व करने का प्रोसेस है और वो प्रोसेस भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड सेट है, एक के बाद दूसरा स्टेप आना स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, आप स्टेप नहीं हटा सकते। इसका यूज जनरली होता है फाइंडिंग एचसीएफ, फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं मुझे पता है 20 एंड